सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में, क्या आपके माइक कंट्रोल है? क्या कंट्रोल है? क्या नहीं है ना, फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कह रहा नहीं है कंट्रोल, आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निस्संदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 99 एवं संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ अथवा प्रतिज्ञान की एक सुचिता है, मर्यादा है और गरिमा है। यदि संसद सदस्य अपने शपथ या प्रतिज्ञान के आरंभ तथा अंत में अतिरिक्त शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है। संसद सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हमारे सभी के लिए दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से इस गरिमा में कमी न हो। इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने का संकल्प लें। यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि शपथ अधिक प्रतिज्ञान को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि इसका संकल्प लें और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो। ये हम सब के लिए, सदन के लिए चिंता का विषय और गंभीर विषय है। मान्य सदस्यगण, मुझे सभा को ये सूचित करना है कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अनुसार मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य रूप में नाम निर्दिष्ट किया है। श्री जगदम्बा पाल, श्री पीसी मोहन, श्रीमती संध्या राय, श्री दिलीप सेकिया, कुमारी शैलजा जी, ए राजा, डॉक्टर कोकोली घोष, दस्तिकार कृष्णा प्रसाद, अवधेश प्रसाद। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। माननीय सदस्य नियम अलाउ करते हैं, लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था दे चुके हैं और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। माननीय वरिष्ठ वरिष्ठ वकील हैं। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य
मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। एक बार बैठेंगे। हाँ, एक प्लीज, एक बार प्लीज, एक बार, एक बार, एक प्लीज, एक विषय माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कहीं माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप बरसों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है, आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है, माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते, आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो, और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा, संविधान की मर्यादा के अनुसार लेके। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में, क्या आपके माइक कंट्रोल है, क्या कंट्रोल है, क्या नहीं है ना, फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कह रहा नहीं है कंट्रोल, आप सुरेश जी की बात नहीं मानते। नो आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी, देख जी मैं आपके संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Sri Sukhant Majumdar. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से अपने साथी मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह के नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री राजभूषण चौधरी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 7 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्री किरण रिजू जी। विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू मूव दैट दिस हाउस डू रिकमेंड टू राज्यसभा दैट राज्यसभा डू एग्री टू नॉमिनेट 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द हाउस फॉर द टर्म एंडिंग ऑन द 30th April 2025 एंड डू कम्युनिकेट टू दिस हाउस द नेम्स ऑफ द मेंबर्स सो नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 श्री किरण रिजिजू जी। सर विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू मूव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।